नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह, विधानसभा के कैंपस में खड़े हैं, जहाँ पे इस वक्त मेरे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। जब जब एनडीए में घमासान होती है, बयानबाजी होती है, उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण ले लीजिए, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा मेठानी मृत्युंजय तिवारी से मिलने के लिए पहुँच गए, मुकेश सहनी और बीजेपी मेठानी मृत्युंजय तिवारी मुकेश सहनी से मिलने के लिए। देखिए, पिछड़े समाज को कोई अपमानित करेगा, मल्ला समाज को, तो स्वाभाविक है सहानुभूति तो हम लोगों को, हम लोग तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। मुकेश सहनी जी ने भी कहा कि आज भी वो लालू प्रसाद जी की विचारधारा को मानते हैं और उन्हीं के कारण आज वो इस मुकाम पर हैं। तो राजनीति में ये सब चलता रहता है, व्यक्तिगत निजी मुलाकात भी होते हैं, कुछ खेल कूद के खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर भी मिले थे। लेकिन एनडीए में आप ही लोग बताइए, जो चल रहा है क्या उसे अच्छा संकेत माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। एनडीए में तो जिस निचले स्तर पर जाकर लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को गाली गलौज, सब कोई कह रहा है हम पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री आवास खाली करने तक की धमकी इशारों में दे दी। तो ये सब का तो हम लोग भी एक विपक्ष हैं, मजबूत विपक्ष हैं, तो हम लोगों की नज़र, हमारे नेता की नज़र भी सब चीज़ों पर है। तो हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और जनता ने जो जवाबदेही दिया है एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में, उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग इस तरह लड़ेंगे या जनता मरेगी जहर पीकर, शराब पीकर, नालंदा में मर गई, छपरा में, तो हम चुपचाप तो देखेंगे नहीं। तो हम तो चाहेंगे कि निकम्मी सरकार को, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार को बदलनी है। इसका तो प्रयास जोर तो सब लोग लगाता है और ज़्यादा का संख्या हमें ताकत भी जनता ने दी है तेजस्वी यादव को, तो 5-6 का संख्या का खेल है, तो एक छक्का लास्ट बॉल पर लगेगा तो सरकार तो गिरी जाएगी। दो घटक दल के नेताओं से अपने मुलाकात की, माझी जी भी कई मुद्दों पर उनके मत अलग है, नाराजगी देखने को मिल रही इन दिनों, माझी जी से कब मुलाकात होगी? देखिए, आदरणीय माझी जी से बात होती रहती है। आदरणीय मांझी जी तो हड़काते रहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर पर जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर लगा था उसमें उन्होंने हड़काया था, वो तो बराबर अपनी पीड़ा बताते रहते हैं। तो आदरणीय मांझी जी हों, मुकेश सहनी जी हों, ये सब लोग तो भले वहाँ स्वशरीर हों, आत्मा दिल तो इधर है। एक बड़ा सवाल है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार की बात कर ली जाए, नीतीश कुमार से संबंधित या सरकार संबंधित कोई भी छोटी घटना बड़ी घटना हो तो वह ट्वीट कर देते थे, लेकिन गिरिडीह ज़िले में इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे जहरीली शराब से, एक भी ट्वीट नहीं किया, कोई खिचड़ी पकड़ी है क्या? नहीं, लगातार इस बात को लेकर हम लोग कहते रहे हैं और हम लोग लगातार हमलावर हैं। देखिए, लड़ाई तो जनता के हित के लिए तेजस्वी यादव जी चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें सत्ता की चिंता नहीं है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो बड़ा भाई छोटा भाई आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ उनका रिश्ता है, इस नाते भी अगर राजनीति से इतर देखा जाए तो चाचा तो है ही, चाचा भतीजा का तो रिश्ता है ही। वो राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। तो इसलिए ये जो कोई कह रहा है, आप देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर लगातार हमला कर रहे, लेकिन इस तरह से वहाँ जो घमासान है, कीड़े मकोड़े की तरह लड़ रहे हैं, वो इसका पैर खींच रहा, उसका पैर खींच रहा, तो भाई ये जनता का काम कब करेंगे? जनता बेचारी पिस रही है, इसके लिए तो तेजस्वी यादव लड़ेंगे, इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। सरकार कब तक बदलेगी? आप लोग लगातार 22 में इस सरकार का जाना तय है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, अब जो है ये देर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, खेल का अंत अब हो जाएगा। तो बिल्कुल, माझी जी से भी लगातार बातचीत होती रहती है, दावा आज भी है आरजेडी का कि 22 में सरकार जो है वो गिरना तय है। मुकेश सहनी से मुलाकात की इन्होंने, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की, अब माझी जी से भी मुलाकात होगी। हालांकि हमेशा बातचीत होती रहती है, विधानसभा के कैंपस में है मृत्युंजय तिवारी राजद के प्रवक्ता, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब हमसे साझा किया। इस पर इतना ही, देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।